हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो तिवारी आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, हाँ या ना, जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी को। राधे राधे। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है बता दीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सेशन को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आइए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है? एयर ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये किसने लॉन्च किया है, आइए जानते हैं। देखिए, जो ये भारत में, याद रखना, ड्रोन के लिए ध्यान रखना, जो ड्रोन सेवा है ना, इसके लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि जो हवा में, क्योंकि ड्रोन हवा में उड़ेगा तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रैफिक रूट होना चाहिए। इसको कौन मैनेज, कहां पर मैनेज किया जाएगा, तो हैदराबाद में। कहां पर मैनेज किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है? ध्यान रखना कहां पर, हैदराबाद में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। और इसका मैनेज कौन करेगा, तो स्काई रूट करेगा, ठीक है? ध्यान रखना, हैदराबाद की बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट। ध्यान रखना क्या नाम इसका है, स्काई रूट। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और याद रखना ये क्या करेगी, तो भारत में ड्रोन के लिए, ठीक है? कहां पर, भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखेंगे आपका स्काई रूट ने लॉन्च किया। स्काई रूट कहां गई थी, तेलंगाना। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी, ठीक है? ध्यान रखना कहां पर, तेलंगाना, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है। और भारत में जहां पर भी ड्रोन की सेवा शुरू की जाएगी वहां पर ये क्या करेगी, ट्रैफिक को मैनेज करेगी। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023-22 का उद्घाटन किया, ठीक है? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो कह सकते हैं उद्घाटन किया, किसने किया, तो ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की, ध्यान रखना, ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की, तो याद रखना मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की, ठीक है? ध्यान रखना, ये पूरे भारत के अंदर इसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं। नोट करेंगे, इसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है? चलिए ध्यान रखना, किसने कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं। ये मैंने कल भी करवाया था, फरवरी का ये करंट अफेयर्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सेशन को फटाफट जल्दी से शेयर करेंगे। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के मूल्य निष्ठा समाज की नींव थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया, तो हरियाणा में किया है, ठीक है? कहां पर किया है, हरियाणा में इन्होंने किया। 36वां जो सूरज कुंड मेला है, आप सभी जानते हैं कि 36वां सूरज कुंड मेला, ठीक है? कौन सा है, सूरज कुंड मेला, इसका, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, सूरज कुंड मेले का, तो सूरज कुंड मेले का उद्घाटन याद रखना ये हरियाणा में किया गया। कहां पर, हरियाणा में सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक की शुरुआत की है, लॉन्च करने का मतलब क्या है, शुरुआत की है, ठीक है? तो नमक क्लिनिक की बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना, नमक जो नाम आता है, नमक नाम कहां पर आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? तो नमक क्लिनिक की शुरुआत ये कहां पर हुई है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये की गई है। कहां पर, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये नमक क्लिनिक कर्नाटक सरकार ने शुरुआत की, ठीक है? ध्यान रखना। चलिए, किसने सीमा पर यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ, सीमा पार, ठीक है? किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की, सीमा पार मतलब देश के बाहर, ठीक है? सीमा पार का मतलब क्या है कि ध्यान रखना, देश के बाहर जो कह सकते हैं कि यूपीआई से माध्यम से पैसे भेजने की जो शुरुआत की है ये किसने शुरुआत की है, तो फोन पे ने किया है। किसने किया है, ध्यान रखिएगा, फोन पे ने, ये शुरुआत किसने की है, तो नोट करेंगे, फोन पे ने शुरुआत की है। और कहां पर की है, तो यूएई में। कहां पर किया इन्होंने, याद रखना, फोन पे के माध्यम से ये कहां पर पैसा भेजा जाएगा, तो फोन पे के माध्यम से यूएई के साथ साथ नेपाल में पैसा ये भेजा जाएगा। कहां पर, तो लिख लीजिएगा, ये नेपाल और यूएई, ठीक है? दोनों देशों में ये पैसा भेजा जाएगा। और कौन भेजेगा, फोन पे भेजेगा, ठीक है? हाल ही में विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में किसे शामिल किया गया है, ठीक है? विश्व प्रसिद्ध अगर देखा, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में किसे, किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो भारतीय कंपनी हो जाएगी टीसीएस, याद रखना, ठीक है? कौन हो जाएगा, शामिल किया गया, नोट करेंगे इसके अंदर, किसको शामिल किया गया, टीसीएस को इसके अंदर शामिल किया गया, टाटा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी। और बच्चों याद रखना, नटराजन चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन, क्या नाम इनका है, तो नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है? इसके हेड कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन जी इसके हेड है, ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में विश्व नंबर वन देश कौन सा बन गया है,
दूध के उत्पादन में दुनिया का नंबर वन देश कौन बना है जरा बताएंगे, ठीक है? जितने बच्चे मेरे साथ लाइव में सभी लोग आंसर करेंगे, दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर वन देश कौन बनेगा, तो अपना प्यारा भारत, ठीक है? दुनिया में दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन है नंबर वन, भारत है। हाल ही में प्रधानमंत्री यानी कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरबी अकेदमी का उद्घाटन कहां पर किया, ठीक है? अरबी जो अकेदमी है इसका उद्घाटन कहां पर किया है, तो नोट करेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। इन्होंने इसका उद्घाटन कहां पर किया है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है? मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत किसका उद्घाटन किया है, तो अरबी एकेडमी का उद्घाटन इन्होंने किया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। किसने उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है जरा बताइएगा, ठीक है? ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है, तो याद रखना ये अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है, ठीक है? ध्यान रखना, सॉरी न्यायाधीश के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के तौर पर, ठीक है? न्यायाधीश के तौर पर, तो विक्टोरिया, याद रखना क्या नाम इनका है, तो विक्टोरिया गौरी ने लिया है। किसने लिया है, तो विक्टोरिया गौरी। इनका नाम क्या है, तो विक्टोरिया विक्टोरिया गौरी। ये किसने, इन्होंने क्या, तो मद्रास न्यायालय के, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो विक्टोरिया गौरी ने ली है। और विक्टोरिया, ये मद्रास उच्च न्यायालय कब बनाया गया था, 1862 के दौरान बनाया गया था। आप जानते हैं 1862 में तीन उच्च न्यायालय बनाए गए थे, सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट बनाया गया था, दूसरे पे बॉम्बे हाईकोर्ट था, और तीसरा कौन था, मद्रास हाईकोर्ट था। तो तीन हाईकोर्ट कब बनाए गए थे, 1862 में। कौन कौन से, याद रखना, पहला हाईकोर्ट, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था, कोलकाता हाईकोर्ट था। दूसरा कौन सा था, तो याद रखना आपका मुंबई हाईकोर्ट था। और तीसरा कौन सा था, तो मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है? तीसरा कौन सा था, मद्रास हाईकोर्ट। तो ये तीन हाईकोर्ट भारत के बनाए गए थे। वर्तमान 25 हाईकोर्ट है, ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। चलिए आगे देखा जाएगा, प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया, मूर्ति कला पार्क का जो उद्घाटन है ये भारत में कहां पर किया गया, तो याद रखना मूर्ति कला जो उद्घाटन किया गया, मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है? कहां पर किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, नाउ ईयू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड किसने जीता, ठीक है? हाल ही में किसने नाउ ईयू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसने जीता है, ठीक है? ये इनकी किताब का नाम है, इसके लिए क्या मिला, गोल्डन बुक अवार्ड प्रदान किया गया, तो इनका नाम क्या होगा, राखी कपूर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, राखी कपूर। राखी कपूर को क्या दिया गया है, तो नोट करेंगे गोल्डन बुक अवार्ड प्रदान किया गया। मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, मिंत्रा आप जानते हैं ई कॉमर्स की साइट कौन है, मिंत्रा है, तो मिंत्रा ने अपना किसे दिया, तो रणवीर कपूर को, ठीक है? किसे बनाया है, तो मिंत्रा ने, यहाँ नोट करेंगे रणवीर कपूर, ठीक है? रणवीर कपूर को मिंत्रा ने अपना क्या बनाया है, तो अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और रणवीर कपूर को ही क्या मिला था, तो बाबा साहब, सॉरी दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ठीक है? दादा साहब फिल्म याद रखना, दादा साहब फाल्के जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है किसे मिला, तो रणवीर कपूर को मिला था। दादा साहब क्या लिखेंगे, दादा साहब अंतरराष्ट्रीय, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार है, ठीक है? दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया, रणवीर कपूर को प्रदान किया गया था, ठीक है? केनरा बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया, केनरा बैंक का, तो याद रखना बच्चों के सत्यनारायण राजू को बनाया गया। किसे, के सत्यनारायण राजू जी को बनाया गया। क्या नाम इनका है, तो लिखिएगा के सत्यनारायण, के सत्यनारायण राजू, ठीक है? ध्यान रखना के सत्यनारायण राजू को क्या बनाया गया, तो केनरा बैंक का सीईओ बनाया गया। और केनरा बैंक की स्थापना कब की गई, 1906 में, ठीक है? केनरा बैंक की स्थापना कब की गई, 1906 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, बैंगलोर में है। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है? लिथियम के जो भंडार मिले हैं इनमें से कहां प्राप्त हुए हैं जरा बताएंगे, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? भारत में जो लिथियम के भंडार मिले हैं ये कहां पर प्राप्त हुए हैं, कौन बताना चाहेगा? सेशन को सारे बच्चे एक बार शेयर कर लीजिएगा। और गुड मॉर्निंग भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। जरा बताएंगे यहाँ पर कि जो लिथियम के भंडार हैं ये भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? भारत में ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बच्चों याद रखना ये जम्मू कश्मीर से, कहां से प्राप्त हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर से लिथियम के भंडार मिले हैं, ठीक है? कहां पर, तो लिथियम के जो भंडार हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये जम्मू और कश्मीर से, ठीक है? ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या सलीम अली नेशनल पार्क है, क्या लिखिएगा, सलीम अली,
सलीम अली नेशनल पार्क लिखेंगे, किश्तवाड़ लिखिएगा, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और यहीं पर आप क्या लिखेंगे तो दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है, दाचीगम, ये नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे तो ध्यान रखना ये दाचीगम क्या नाम है, किश्तवाड़ लिख लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा दाचीगम, तो ये सभी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है वर्तमान में, तो एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की बार 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से को श्रद्धांजलि दी है, ठीक है, ये कौन है, मलयालम एक्ट्रेस की बात करें, ठीक है, मलयालम एक्ट्रेस है, इनको दिया तो पी के रोजी को, किसे दिया तो पी के रोजी जो है, याद रखना ये मलयालम की पहली एक्ट्रेस है, ठीक है, याद रखना ये कौन थी, पहली महिला कलाकार की बात है, ये क्या है, पहली महिला एक्ट्रेस है यानी कि अभिनेत्री है, कहाँ की, केरला की, मलयालम भाषा की, ध्यान रखना अभिनेत्री, ये अभिनेत्री है यानी कि एक्ट्रेस है, और इनको किसने, तो डूडल ने, याद रखना गूगल ने डूडल के तौर पर आपने देखा होगा कुछ में है ना, एक अलग तरीके से पिक्चराइज करता है, तो याद रखना ये किसने, तो 120वीं वर्षगांठ पर किसके, पीके रोजी जो कि केरल के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है, ठीक है, आइए जानते हैं। इसरो की बात करें बच्चों, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है ना, याद रखना जो केंद्र की बात करें, इसरो जो कब बना, 15 अगस्त को बनाया गया, 15 अगस्त 1969 को बनाया गया, और इसका मुख्यालय कहां पर, तो हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, बेंगलोर में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पर स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत आ जाता है, और एस सोमनाथ जी कौन है, तो इसके हेड है, कौन है, एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके हेड है, और विक्रम साराभाई स्थापित करने में किसका अहम रोल था, तो विक्रम साराभाई का अहम रोल था, ठीक है, ध्यान रखना किसका था, विक्रम साराभाई का अहम रोल था, नोट करेंगे, तो जो इन्होंने, ठीक है, जो इन्होंने अभी हाल ही में SSLV, क्या नाम है, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, SSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो यस याद रखना स्मॉल सैटेलाइट, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है, और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, D2, क्या नाम इसमें आगे लिख लीजिएगा, D2 ही लिख लीजिएगा, ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 के माध्यम से इन्होंने क्या लॉन्च किया, तो 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक, लो अर्थ ऑर्बिट में, कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते, और भी चंद्रयान, आपने देखा कि चंद्रयान को सभी तो लॉन्च किया, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है, किसे लॉन्च किया, चंद्रयान 3 मिशन को भी भारत ने लॉन्च कर दिया, अगला मिशन गगनयान है, ठीक है, अगला मिशन कौन सा, गगनयान है, जिसे लॉन्च करने का चल रहा है, ठीक है, तो गगनयान भी देखो बहुत जल्दी, एक तो मानव मिशन है, दूसरा मानव रहित है, दोनों तरीके के मिशन कौन छोड़ेगा, तो इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। और सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मेरी आवाज आ रही होगी, सब कुछ बढ़िया है ना, एक बार बता देना, ठीक है, एक बार आप लोग बता दीजिएगा सारे बच्चे जितने हमारे साथ लाइव है, और सेशन को शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट 2023 है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ठीक है, देखिए जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया, कहां पर किया गया, लखनऊ में, नोट करना, ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है, ठीक है, चलिए बताएंगे, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी, ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी यानी कि वैश्विक गुणवत्ता जो है ना, वैश्विक गुणवत्ता जो सूचकांक की बात कर लेते, तो वैश्विक गुणवत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आई है 2021 में, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, या फिर 20वीं है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 10वीं रैंक भारत की हो जाएगी, कौन सी रैंक हो जाएगी, तो 10वीं रैंक ये भारत की हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, किसमें, तो क्वालिटी, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो 10वीं रैंक यहां पर ये भारत की आई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर कौन है बताना चाहेगा कोई, कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में पहली देश, पहला जो रैंक है ये किसकी है, ठीक है, तो पहली रैंक याद रखना किसकी आ जाती है, जर्मनी की, ठीक है, पहली रैंक किसकी, तो जर्मनी की पहली रैंक आ जाएगी, और ये जो रैंक निकालेगी 10 बड़ी अर्थव्यवस्था, जो विश्व की 10 बड़ी, ठीक है, 10 बड़ी अर्थव्यवस्था पर निकाली गई, ठीक है, 10 बड़ी अर्थ
10 बड़ी अर्थव्यवस्था पर ये रैंक निकाली गई है, ठीक है ध्यान रखना, 10 बड़ी, ठीक है ध्यान रखना, जो दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उस पर ये रैंक निकाली गई, ठीक है, उस पर ये रैंक निकाली गई, जिसमें भारत की रैंक कौन है, 10वीं है, और दुनिया में पहले नंबर पर कौन है, जर्मनी है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है, ठीक है, ऊर्जा संकट पर, यानी ऊर्जा संकट की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, यानी कि जो कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने कि एनर्जी क्राइसिस को लेकर के आपदा घोषित की है, ठीक है, आपदा की स्थिति घोषणा की है, ईरान हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, या दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, कौन होगा, दक्षिण अफ्रीका ने ऊर्जा संकट क्या लीक किया है, तो ऊर्जा संकट की घोषणा की है, ठीक है, ऊर्जा संकट की घोषणा की है। अभी तुर्की में क्या आया था, भूकंप आया था, और भूकंप के चलते मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, ये कहां पर शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन दोस्त याद रखना ये तुर्की के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, सॉरी भारत के द्वारा यहां पर शुरू किया गया, तुर्की और सीरिया एक और देश था, एक तो देश था तुर्की था, ठीक है, एक तो तुर्की था, और तुर्की के अलावा दूसरा कौन सा था, तो याद रखना सीरिया था, ठीक है, क्या था, सीरिया था, जहां पर कि ये चलाया गया था, ठीक है, ये चलाया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिथियम के भंडार कहाँ मिले, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर प्राप्त हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2022 में कितने भारतीयों ने नागरिकता को छोड़ा है, ठीक है, कितने भारतीयों ने नागरिकता को त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया, जरा बताएंगे, ठीक है, चलो भाई आंसर करेंगे, जितने बच्चा लाइव है यहाँ पे जल्दी से सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे कि कितने भारतीयों ने है ना अपनी नागरिकता को त्याग दिया, ठीक है, कितने भारतीयों ने विदेश मंत्रालय के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनमें से कितने भारतीयों ने 2022 में नागरिकता छोड़ दी है, तो याद रखना 2,25,620, ठीक है, इतने जो भारतीय हैं, क्या है, इतने जो भारतीय हैं इन्होंने अपनी नागरिकता, ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी जो नागरिकता है इन्होंने छोड़ दी, ठीक है, ये भारत छोड़कर के चले गए, ठीक है, ये भारत छोड़कर के किसी अन्य देशों की इन्होंने नागरिकता ले लिया और अपना देश को छोड़ दिया, ठीक है, चलिए विदेश मंत्री कौन, एस जयशंकर जी हैं। भारतीय गोल्फर ने, किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीत लिया, ठीक है, यानी कि महिलाओं का केन्या महिला ओपन टाइटल 2023 इनमें से किसने जीता, किस भारतीय ने, अदिति अशोक ने, दीक्षा डागर ने, स्मृति मेहरा ने, या सुचित्रा रमेश ने, किसने जीता है, याद रखना आदिति अशोक, गोल्फर कौन है, भारतीय गोल्फर जिनका नाम क्या, आदिति अशोक, ठीक है, ये कौन है, ये गोल्फ की खिलाड़ी है, ठीक है, तो याद रखना गोल्फ जो खिलाड़ी है आदिति अशोक है, इन्होंने केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है, ठीक है, आइए देखें अगला क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण का शुरुआत किसने की है, कहां शुरू किया गया, ठीक है, खेलो इंडिया क्या लिखा गया, खेलो इंडिया विंटर गेम ये कहां पर शुरू किया गया है, तीसरा ये कौन सा एडिशन, थर्ड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम का ये कहां पर शुरू किया गया है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, या फिर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो याद रखना ये जो एडिशन शुरू हुआ तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर में कहां पर हुए हैं शुरू, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत याद रखना, ठीक है, और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, नोट करिएगा, तीसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम क्या लिखेंगे, विश्वविद्यालय गेम ये कहां पर हुए थे, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इसका आयोजन कहां हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, कहां हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, नोट करना, और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, कहां हुआ था, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, और मध्य प्रदेश का तीसरा पोजीशन थे, ठीक है, एमपी की रैंक क्या थी, तो एमपी की रैंक इसमें थर्ड थी, ठीक है, ध्यान रखना, और पहले पे कौन था, महाराष्ट्र था, ठीक है, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा था, पहले पे कौन था, महाराष्ट्र था पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम में, और दूसरे पे कौन था, तो हरियाणा था, ठीक है, चलिए याद रखिएगा, और 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा, गोवा में 2000, ठीक है, याद रखना, सॉरी 37वां कहां हुआ था, गोवा में होगा, ठीक है, ध्यान रखना, 37वां कहां पर होगा राष्ट्रीय खेल, याद रखना ये 37वां राष्ट्रीय खेल होगा, और ये राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा, ये गोवा में खेला जाएगा 2023
23 में, ठीक है। ये कहा, और पिछले वाला कहां हुआ था याद रखना, ठीक है। पिछला कहां पर हुआ था बच्चों याद रखना आपके, है ना, 36वां कहां पर हुआ था, 36वां गुजरात में आयोजित किया गया था। कहां पर? 36वां गुजरात में ये आयोजित किया गया था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया जाएगा, ठीक है, निसार बताएंगे, ठीक है। यहां पर जो निसार है, ठीक है, निसार जो सैटेलाइट है ये किस देश के सहयोग से बनाया जाएगा, ठीक है। निसार जो सैटेलाइट है ये भारत किस देश के सहयोग से विकसित करेगा, ठीक है। और सभी को नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए उम्मीद करता हूं आप मेरी आवाज आ रही होगी, सब कुछ देखो आप सारी चीज व्यवस्थित रूप से चलने लगी है, उम्मीद करता हूं आगे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार सेशन को शेयर भी कर लीजिएगा, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव है यहाँ पे सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे और बताएंगे यहाँ पर जो निसार सैटेलाइट है ये भारत जो है किस देश की मदद से ये विकसित करने जा रहा है, ठीक है। तो निसार की बात करें बच्चों, देखो निसार में दो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है निसार की फुल फॉर्म की बात है, एन से क्या हो जाएगा नासा, एन से क्या होगा नासा, और नासा कहाँ की एजेंसी है अमेरिका की, तो आंसर क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नासा और इंडिया, एन से क्या हो जाएगा नासा हो जाएगा, एन से क्या होगा नासा, और आई से क्या हो जाएगा अपना इंडिया यानी अपना प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया या फिर अपना प्यारा भारत। तो याद रखना नासा और भारत के सहयोग से क्या बनेगा, ठीक है। तो याद रखना सैटेलाइट अपर्चर जो ये है ना, याद रखना जो निसार है ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, क्या है सैटेलाइट है, जो कौन लॉन्च करेगा तो भारत, और किसकी मदद से नासा के सहयोग से ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन बन गया है। क्रेडिट कार्ड पर, देखो क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, अभी तक क्या होता था क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकाल नहीं सकते थे, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या है यूपीआई के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड को जो है यूपीआई में कन्वर्ट करने वाला पहला इसमें कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि संस्था है या संगठन है जो कि अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या करेगी वो यूपीआई को एक्सेप्ट करेगी। तो याद रखना ये मोबीक्विक हो जाएगा, ठीक है, मोबीक्विक हो जाएगा, ये ऑनलाइन एक कह सकते हैं साइट है, ये भी कॉमर्शियल साइट है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जो ये यूपीआई के माध्यम से क्या करेंगे, तो बच्चों नोट करना ये है ना मोबीक्विक जो है ना ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कौन करेगा तो मोबीक्विक लॉन्च करेगा। तो पहला यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन बन गया, मोबीक्विक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, हाल ही में अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी किसने जारी किया है, हाल ही में अपना जो नोबेल है विक्ट्री सिटी ये किसने जारी किया है, आइए जानते हैं। तो विक्ट्री सिटी किसने, सलमान रश्दी जी ने, ठीक है, सलमान रश्दी ने, और सलमान रश्दी को 1981 में क्या मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था, किस किताब के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, इनको क्या मिला है तो बुकर पुरस्कार मिला था। और ये बुकर पुरस्कार जो मिला था ये कब मिला था इनको, तो बुकर पुरस्कार याद रखना इनको मिला था 1981 मिला था, किस किताब के लिए, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनकी किताब का नाम क्या था, तो मिडनाइट चिल्ड्रन नाम था, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए क्या मिला था, जिनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए और भारत में किसे मिला था, तो अरुंधति रॉय को, ठीक है, ध्यान रखना किसे मिला था, अरुंधति रॉय, भारत ने जो पाने वाली पहली, स्पेशली स्पेशली देखा जाए तो भारत की रहने वाली और भारत में, ठीक है, तो अरुंधति रॉय को मिला था, किसके लिए मिला था, तो याद रखना द है ना क्या नाम था किताब का नाम एक बार बता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है, क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए किसे मिला था, तो याद रखिएगा है ना अरुंधति रॉय जी को प्रदान किया गया, किसे, अरुंधति रॉय जी को ये प्रदान किया गया था, नोट करेंगे। हाल ही में कहां पर 68वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया, हाल ही में भारतीय अंतरराष्ट्रीय जो परिधान मेला इंटरनेशनल गारमेंट फेयर जो है ना 68वें नंबर का ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो याद रखना जो ये फेयर लॉन्च किया गया था ग्रेटर नोएडा में, कहां पर, ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी के अंतर्गत आ जाता है, यहां पर क्या हुआ था, तो अंतरराष्ट्रीय जो गारमेंट फेयर है इसका उद्घाटन यहां पर किया गया, ठीक है, कहां पर, तो यहां पर इसका उद्घाटन किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और याद रखना आपको पता होगा कि दिल्ली में क्या आयोजित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय, नई दिल्ली में क्या हुआ था, तो नई दिल्ली में जो आप जानते हैं 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, नई दिल्ली में किसका आयोजन किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार मेला है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। और यहां पर मध्य प्रदेश को 5 पुरस्कार मिला, ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश को क्या प्रदान किया गया था,
तो कांस्य पुरस्कार यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश ने क्या जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए आइए, और यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में भारत का पहला जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया, कहाँ पर खोला गया, ठीक है, जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये कहाँ पर ओपन किया गया, देश का जो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये कहाँ पर ओपन किया गया। तो बच्चों ग्लास यानी गुलमर्ग कहाँ पर ओपन किया, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में किसका आयोजन किया, किसको ओपन किया गया, तो गुलमर्ग याद रखना गुलमर्ग में, ठीक है, इंडिया का पहला जो ग्लास का यानी कि शीशा, ग्लास यानी कि शीशे का अगर जो देखा जाए तो जो रेस्टोरेंट है ये कहाँ पर ओपन किया गया, तो जम्मू कश्मीर में, तो गुलमर्ग में ओपन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया, ऐसी कौन सी इसमें इंडियन सॉरी कौन सी इसमें ऐसी पर्सनालिटी है, कौन सी ऐसी एक ऐसी कह सकते हैं शख्सियत है, छात्रा है या स्टूडेंट है जो वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल इनको चुना गया, ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट गर्ल स्टूडेंट इनमें से किसे नामित किया गया, तो मिली बॉबी ब्राउन को, ठीक है, नताशा पेरिया नयागम को, समेधा सक्सेना को या ऋचा वर्मा को, इनमें से क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, तो याद रखो बच्चों इसमें क्या होगा, नताशा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नताशा पेरियानयागम, ठीक है, ये क्या बनी है, तो ये दुनिया में सबसे बहन प्रतिभाशाली छात्रा ये बनी है, ठीक है। समेधा सक्सेना कौन है, भारत की है, ये भी इनको फोर्थ प्लेस मिला, ठीक है, इनको क्या मिला, ये भी फोर्थ प्लेस पर इनको प्रदान किया गया, फोर्थ प्लेस इनको प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, छत्तीसगढ़ की देखा जाए तो नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो बिश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है, कौन बना है, बिश्वभूषण जो हरिचंद्रन है ये पहले आंध्र प्रदेश के थे, अब इनको कहां का राज्यपाल बना दिया गया, तो याद रखना इनको अब बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र आरलेकर कहाँ के हैं, ये हिमाचल के हैं, राजेंद्र आरलेकर कहाँ के हैं, तो ये इनको हिमाचल के बदल गए, ये अभी बदल गए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कभी है ना, याद रखना, ठीक है, राजेंद्र आरलेकर क्या है, देखो राजेंद्र आरलेकर पहले हिमाचल था, बिहार में चले गए, ठीक है। तो नए राज्यपालों की यहाँ पे नियुक्ति, केती परनाई की बात करें बच्चों, ये कहाँ के बने, अरुणाचल के, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के, सीपी राधा कृष्ण जी बने झारखंड के, शिव प्रताप शुक्ल जी हिमाचल प्रदेश के बन गए, गुलाब चंद्र कटारिया असम के, अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के बने हैं, अनुसुईया उइके ये मणिपुर की है, लाल गणेशन जी नागालैंड के हैं, फागु चौहान मेघालय के हैं, राजेंद्र आरलेकर बिहार के हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं, वीडी मिश्रा लद्दाख के बनाए गए एलजी हैं, और हरिचंद्रन जी विश्वभूषण हरिचंद्रन, बीबी का मतलब क्या, विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये कहाँ के बने, छत्तीसगढ़ के। तो ये है ना अलग अलग राज्यों के, तकरीबन देखा जाए तो 12 है, कितने 12-13 हो जाएंगे ना, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, कितने, तो याद रखना 13 राज्यों के यहाँ पर क्या बदले गए, तो 13 राज्यों के यहाँ पर राज्यपाल बदल दिए गए, ठीक है, 13 राज्यों के राज्यपाल यहाँ पे बदल दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इनको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 13 राज्यों के राज्यपाल में बदलाव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, एक बार एटलीस्ट पढ़ ही लेना, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका सभी बच्चे क्लास है ना, जल्दी से इसको फटाफट है ना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े, चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खेलो इंडिया यूथ गेम, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा, ठीक, सॉरी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा पदक तालिका में, तो देखा जाए तो पदक तालिका में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था, ठीक है, मध्य प्रदेश का खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था, मध्य प्रदेश ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 96 पदक मध्य प्रदेश ने जीते, ठीक है, ध्यान रखना कितने जीते, 96 जीते हैं, इसमें देखा जाए तो गोल्ड कितने जीते, 39 जीते, ठीक है, मध्य प्रदेश ने गोल्ड यानी कि स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने कितने जीते, तो याद रखना गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश ने यहाँ पर 39 जीते, ठीक है, और कांस्य पदक की बात करें, सॉरी सिल्वर मेडल कौन सा है, सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर यानी कि रजत पदक, और रजत पदक मध्य प्रदेश ने कितने जीते हैं, 30 जीते हैं, ठीक है, रजत पदक कितने जीते हैं, तो रजत पदक 30 जीते हैं मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिल्वर मेडल, और कांस्य की बात करें क्या है, ये कांस्य पदक नोट करिएगा क्या है, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल मध्य प्रदेश ने कितने जीते, कितना हो गया, 30 और 30 9 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 27,
ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल लेने के कहां से पदक मध्य प्रदेश ने कितने जीते? 27 जीते हैं। तो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 96, और मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। ठीक है, पहले स्थान पर, सॉरी तीसरा स्थान था, पहले स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र के टोटल कितने पदक है? 161 पदक है। और दूसरा कौन हो जाता है तो नोट करना, ठीक है, ये महाराष्ट्र का टोटल हो जाता है 161 है, और दूसरे पे कौन आ जाता है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के कितने थे? 128 के लगभग किसके हैं? हरियाणा के पदक आ जाते हैं। ठीक है, किसके? हरियाणा के पदक आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है अगला। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की पेशकश की है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, अभी आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक अर्थ भी आया था कहां पर? तुर्की में। भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, क्या शुरू किया था? तो ऑपरेशन दोस्त, ये किसने शुरू किया? तो ऑपरेशन दोस्त जो है ये भारत ने शुरू किया था। ठीक है, तो जरा बताएंगे यहाँ पर कि विश्व बैंक ने जो अभी यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, ठीक है, यहाँ पे जो भूकंप आया था, तो भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ठीक है, कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.5, 1.2, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव है सभी लोग बताएंगे। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए बताओ भाई जल्दी से क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1.78 अरब डॉलर क्या हो जाएगा? 1.78 अरब डॉलर हो जाएगा। इतना विश्व बैंक ने, इतना विश्व बैंक ने किसे बोला है? तो याद रखना, विश्व बैंक ने कहा है कि हम तुर्की को दे रहे हैं किसके लिए? तो याद रखना, जो कि भूकंप से प्रभावित जो लोग हैं उनको सहायता के लिए, ठीक है, सरकार को दिया है। भारत के लिए किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? ठीक है, भारत की बात कर ले बच्चों, तो भारत के किस भारत के किस खिलाड़ी ने, एथलीट का मतलब किस खिलाड़ी ने, ठीक है, एथलीट की बात करें या फिर खिलाड़ी, भारत के किस खिलाड़ी ने, ठीक है, भारत के किस खिलाड़ी ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियन में शॉर्ट पुट में इवेंट में ये बता सकते हैं कि क्या जीता? तो शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता, यानी शॉर्ट पदक जीता है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, याद रखना तजिंदर सिंह, तजिंदर पाल सिंह टूर, क्या रखना, तजिंदर पाल सिंह टूर जी की बात करें तो इन्होंने क्या जीता? तो शॉर्ट पुट इवेंट में नोट करिएगा, इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्या शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। आइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे कौन बनाया गया? बी डी मिश्रा जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बी डी मिश्रा क्या बनाए गए हैं, तो बी डी मिश्रा, अभी स्क्रीन शॉट आपको देने के लिए लेने के लिए मैंने बोला भी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीडी मिश्रा को क्या बनाया गया? एलजी बनाया गया लद्दाख का। ठीक है, बीडी मिश्रा को क्या बनाया गया? एलजी बनाया गया लद्दाख का। तो क्या लिख लीजिएगा? बीडी मिश्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? जरा बताएं क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं सभी लोग बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने, ठीक है, किस भारतीय, सॉरी किस खिलाड़ी ने, इंग्लैंड के खिलाड़ी ने यहाँ पे सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? इयान मॉर्गन ने, किसने कर दिया? इयान मॉर्गन ने कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सभी जानते हैं कि कौन है इंग्लैंड के खिलाड़ी, कौन है? इयान मॉर्गन है। और साथ में अगर आप देखेंगे भारत के जोगिंदर शर्मा, क्या नाम है? जोगिंदर शर्मा जी ने भी संन्यास ले लिया। ये T20 वर्ल्ड कप पहली बार जब 2007 में क्या हुआ था, तो 2007 में, ठीक है, 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, क्या हुआ था? T20 विश्व कप हुआ था, T20 विश्व कप, इसमें कौन भाग लिया था? तो याद रखना जोगिंदर शर्मा थे, अंतिम ओवर इन्होंने किया था, इन्हीं की बैल पर मिसबाहुल लक आउट हुआ था और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। ठीक है, आइए, पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज शक्ति मंधाना को किस टीम ने खरीदा? ठीक है, स्मृति मंधाना को, जो काफी क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी महिला प्रीमियर लीग हुआ था, इसमें स्मृति मंधाना को किसने लिया था? तो आरसीबी ने लिया था। किसने? आरसीबी ने। ठीक है, ध्यान रखना, स्मृति मंधाना को किसने खरीदा था? याद रखना, आपकी आरसीबी ने खरीदा था। और मुंबई इंडियन को, मुंबई इंडियन में कौन गई थी? स्मृति, सॉरी क्या नाम था, हरमनप्रीत कौर, क्या नाम था? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को किसने खरीदा था? तो याद रखना, आपकी मुंबई इंडियन ने लिया था। और मध्य प्रदेश के शहडोल की, क्या नाम था? पूजा, पूजा ही नाम था शायद ना, मध्य प्रदेश की कौन थी? तो याद रखना पूजा ही था ना, पूजा वस्त्राकर, पूजा वस्त्राकर शायद नाम था, पूजा वस्त्राकर। तो नोट करिएगा, पूजा वस्त्राकर को किसने लिया था? तो पूजा वस्त्राकर को, ठीक है, पूजा वस्त्राकर को किसने लिए शामिल हुई थी? तो मुंबई इंडियन ने, पूजा वस्त्राकर ने इनको लिया था। ठीक है, अपनी टीम में शामिल किया था, मध्य प्रदेश के कहां के, शहडोल के हैं। आइए देखें अगला क्वेश्चन,
पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां पर किया, जरा बताएंगे। ठीक है, मोदी जी ने जो इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरो शो है इसका जो उद्घाटन है ये कहां पर किया, जरा बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो जो एशिया का सबसे बड़ा जो एयरो शो एयरो इंडिया 2023 है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो बैंगलोर में। ठीक है, कहां पर किया गया, तो बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आयोजन कहां पर किया गया, बैंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये किसका था थीम, तो याद रखना ये एरो इंडिया 2023 का इसका थीम था। ठीक है, और बेंगलोर कर्नाटक में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वायुसेना के प्रमुख नोट करेंगे। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है, चलिए वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो आर हरि कुमार जी। ठीक है, कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है, ध्यान रखना, आर हरि कुमार भारतीय वायुसेना के प्रमुख है, नोट करिएगा। ठीक है, और भारतीय थल सेना के कौन है, तो आप जानते हैं मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, भारतीय थल सेना के कौन है, मनोज पांडे, सॉरी सॉरी, भारतीय वायुसेना के कौन है, तो याद रखना विवेक राम चौधरी जी हैं। क्या नाम है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखना विवेक राम चौधरी जी हैं। क्या नाम है, विवेक राम चौधरी, करेक्शन करिएगा इसको, विवेक राम चौधरी। क्या नाम है, विवेक राम चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। भारतीय थल सेना के कौन है, तो थल सेना के नोट करना। ठीक है, थल सेना के नोट करिएगा आपके मनोज पांडे जी हैं। थल सेना के कौन है, मनोज पांडे जी हैं। भारतीय थल सेना के हेड कौन है, तो याद रखना प्रमुख की बात करें आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे जी हैं। और नौसेना के कौन है, तो नौसेना के आर हरि कुमार जी हैं। ठीक है, नौसेना के कौन है, आर हरि कुमार जी, नोट करिएगा। क्या नाम है, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, ये किसके हैं, तो आर हरि कुमार जी, ध्यान रखना ये नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, और वायुसेना के कौन है, तो वायुसेना के विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी जी हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, किस शहर में ये आयोजित किया, किसकी, तो कृषि कार्य समूह की जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश में कहां पर हुई, इंदौर के अंतर्गत। ठीक है, G20 कृषि सहकारी समूह की बैठक ये कहां पर हुई है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजित की गई। कहां पर की गई, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजित की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजित की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि यहां पर क्या हो, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस क्या मनाया गया, इंदौर में ही 17वां प्रवासी, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये जो सम्मेलन है कहां पर आयोजित किया गया, तो इंदौर में आयोजित किया गया। कहां पर ये, तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, साथ में ध्यान रखेंगे, अभी जो बॉन्ड है ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया, इंदौर नगर निगम ने। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला कौन है, इंदौर नगर निगम है। ठीक है, इंदौर नगर निगम इसने क्या लॉन्च किया है, तो इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है, इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश में 15 से 17 फरवरी तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, फिजी में किया गया। कहां पर किया गया, तो फिजी में किया गया, ध्यान, फिजी की राजधानी क्या, सुवा। ठीक है, तो सुवा बच्चों क्या है, तो याद रखना फिजी की राजधानी का नाम क्या है, तो सुवा है। और यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना यहां पर क्या किया गया, तो 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया था। ठीक है, पहला कब हुआ था, तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, और ये कब हुआ था, 10 जनवरी को आयोजित किया गया था। आप जानते हैं 10 जनवरी को हमेशा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कहां पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर मनाया गया था, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, सॉरी, चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते, देखो मध्य प्रदेश ने कुल पदक क्या लिखिएगा,
कुल पदक मध्य प्रदेश ने कितने जीते हैं? तो कुल पदक मध्य प्रदेश ने 96 जीते। कितने? 96 जीते। और मध्य प्रदेश का जो स्थान था वो कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, पहले पे कौन था? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के टोटल 161 पदक हैं, सॉरी। और दूसरे नंबर पर कौन था? तो हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा के कितने पदक हैं? 128 पदक। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। तो पहले पायदान पर कौन था? पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र का 161 पदक, दूसरे पे हरियाणा था 128, कुल पदक 96 थे। तो स्वर्ण पदक यहाँ पर भारत ने कितने, सॉरी मध्य प्रदेश ने कितने जीते? तो स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश के 39 थे। 30 क्या थे? रजत पदक है मध्य प्रदेश के। 23 क्या है? रजत पदक है। और 27 क्या है? ये कांस्य पदक है। क्या है? कांस्य पदक ये भारत के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 27 क्या है? कांस्य पदक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेंगे और सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और देखो तमाम सारी क्लासेस तो अब चलने लगी है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जो भी कुछ पेंडिंग क्लासेस की पीडीएफ बची गई थी वो हम आपको सारी अपलोड करवा देंगे। और जो हम लोग ये करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, ध्यान रखना ये सब आपका आपका अपलोड कर देते हैं हम लोग एप्लीकेशन पर, वहां से आप डाउनलोड करिएगा। साथ में देखो जिन बच्चों को डाउट ये है कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कब पेपर होगा, तो देखो आप सभी जानते हो कि अगर 12 तारीख से पेपर होगा तो आज या कल तक में आपका एडमिट कार्ड का जो सिटी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, आज या कल तक में सिटी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ जाएगी कि कब कब किस शहर में आपका पेपर होगा, किस तारीख को होगा, ये जानकारी आपके पास अभी आ जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे? अगर मान लो 12 तारीख से पेपर शुरू होगा तो एडमिट कार्ड आपके 2-3 दिन पहले आ जाएंगे। तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, है ना, कल आज कल परसों तक का वेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस जिले के बदनावर में बदनावर के छाए में कपड़ा फैक्ट्री का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया? मध्य प्रदेश में कहां पर ये कपड़ा फैक्ट्री है जहां पर की बदनावर में, तो धार के, बच्चों याद रखना, धार के बदनावर। ठीक है, धार के बदनावर में। ठीक है, बदनावर ये कहां पर आता है? धार जिले में बदनावर आ जाता है। और यहां पर कपड़ा फैक्ट्री की शुरुआत किसने की? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने की। ठीक है, और उज्जैन में क्या लगाया गया? उज्जैन में जो यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ लगाया गया है? तो मेडिकल मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, ध्यान रखना, मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क। और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर आप सभी जानते हैं कि महाकाल कॉरिडोर। ठीक है, महाकाल जो कॉरिडोर है ये कहां पर बनाया गया? ये उज्जैन में बनाया गया महाकाल कॉरिडोर। और साथ में 5G सेवा, ठीक है, 5G सेवा की यहां पर शुरुआत भी की गई। यही शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, आवासीय संस्कृत विद्यालय ये मध्य प्रदेश में कहां पर खोला जाएगा? सेकंड रेसिडेंशियल जो संस्कृत स्कूल है ये मध्य प्रदेश में कहां पर ओपन किया जाएगा? ठीक है, चलो भाई जल्दी से आंसर करेंगे, बताइएगा कि जो संस्कृत विद्यालय है ये कहाँ पर खोला जाएगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत? क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए ये कहाँ पर होगा? रतलाम में ओपन किया जाएगा। कहाँ पर? रतलाम में, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर ये? रतलाम में। यहाँ पर ये दूसरा क्या होगा? दूसरा संस्कृत आवासीय विद्यालय होगा। और पहला कहाँ पर? तो डिंडोरी में। कहाँ पर है ये? डिंडोरी जिले में। पहला जो आवासीय विद्यालय है ये कहाँ पर है? डिंडोरी जिले के अंदर। जैसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया गया था? तो आप जानते हैं 1962 में। ठीक है, कहां कब बनाया गया? 1962 में, याद रखना, ये रीवा में। कहां पर बनाया गया? 1962 में रीवा में पहला सैनिक स्कूल। ठीक है, रीवा में। रीवा में क्या है? तो पहला सैनिक स्कूल बनाया गया। ठीक है, ये क्या था? पहला सैनिक स्कूल। और दूसरा कहां प्रस्तावित है? तो दूसरा आप सभी जानते हैं भिंड में प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है ये? भिंड में। ठीक है, भिंड में क्या है ये? प्रस्तावित है, ध्यान रखना। ठीक है, भिंड में क्या है? दूसरा भिंड में प्रस्तावित है सैनिक स्कूल। आइए चलते हैं अगले भी। मध्य प्रदेश के किस जिले में अब आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत जो है ये कहां पर की गई? चलिए बताएंगे। ठीक है, आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत ये कहां पर की गई, क्या लगता है? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीकमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आवासीय यानी कि लैंड रेसिडेंशियल लैंड राइट्स जो स्कीम है ये कहां पर शुरू की गई? टीकमगढ़ के अंदर ये शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर में जमीन सिंचाई का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, तो यानी कि कहा जाए कि 2025 तक कितने भूमि में सिंचाई का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने? तो याद रखना 65 लाख हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 65 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखना। ठीक है, 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है ये कितना है, तो नोट करिएगा 65 लाख हेक्टेयर का हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने में सिंचाई हो रही है, तो वर्तमान में नोट करना 45 लाख हेक्टेयर में वर्तमान में
मध्य प्रदेश में सिंचाई हो रही है, ठीक है, 45 लाख हेक्टेयर में। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान किस विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश ये अभियान किसके द्वारा चला, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रजापिता विश्व जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है इसके द्वारा क्या चलाया जा रहा है, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या ना करे, धूम्रपान का ना करे, इनको कंज्यूम ना करे, इसके लिए चलाई गई, ठीक है, ध्यान रखना। और जीवा जी क्या है, तो आप सभी जानते हैं जीवा जी ग्वालियर में विश्वविद्यालय है, ठीक है, जीवा जी कहाँ पर है, ये ग्वालियर में विश्वविद्यालय जीवा जी हरि सिंगौर, ये पहला विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, और ये कब बना, 1946 में बनाया गया, कब 1946 में ये बनाया गया, ध्यान रखना। आइए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये कहां के, जबलपुर के, ठीक है, ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, दिनेश कुमार शुक्ला जी को बनाया गया, और ये कहां के रहने वाले, तो जबलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, कहां के, जबलपुर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। इनको 3 वर्ष के लिए बनाया गया, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ई विवेचना, मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा पदक मिला है, तो याद रखना ये प्लेटिनम अवार्ड जीता है, क्या जीता है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता है, तो नोट करना, मध्य प्रदेश की जो पुलिस की ई विवेचना एप्लीकेशन, ठीक है, ई विवेचना, ई विवेचना का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, जो कि कस्टमर, मतलब कस्टमर क्या, जो जो क्रिमिनल्स हैं या जो कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं उनके घरों तक या उनकी तक जो न्यायालय की तमाम सारी प्रक्रिया या अपने जो थाने की जो प्रक्रियाएं हैं ये तमाम सभी कहां तक पहुंचा, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ई विवेचना एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में इसको क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला, तो याद रखा ये पहला अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला, तो पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश की पुलिस को मिला है, ठीक है, विवेचना प्लेटिनम अवार्ड क्या दिया गया, प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी शुरू की जाएगी, पहली होम्योपैथी कहां पर, भोपाल में, कहां पर, भोपाल में, ठीक है, ध्यान रखना। पहला जो गवर्नमेंट होम्योपैथी फार्मेसी है ये कहां पर शुरू की गई, तो ये भोपाल में शुरू की गई, हमीदिया के पास में, ठीक है, कहां पर, भोपाल में, हमीदिया, ठीक है, भोपाल में कहां पर, तो हमीदिया के पास में इसकी शुरुआत की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर का स्थान कौन सा स्टार्टअप के मामले में, ठीक है, स्टार्टअप मतलब कुछ नया शुरू करना, ठीक है, स्टार्टअप का मतलब क्या करना, नवाचार, इसे क्या बोलते हैं, नवाचार, नवाचार का मतलब होता है कुछ नया शुरू करना, ठीक है, तो नया शुरू करने के मामले में बताइएगा जो इंदौर है इसका पूरे भारत में कौन सा स्थान आ जाता है, ठीक है, इंदौर का पूरे भारत में कौन सा स्थान आ जाता है, तो इंदौर बच्चों पूरे भारत में कहां पर, 14th पोजीशन पर है, कहां पर है इंदौर, तो नोट करिएगा जो इंदौर है ना, इंदौर की कौन सी पोजीशन है, तो याद रखना जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है इसकी 14th पोजीशन है, यहां पर टोटल 1700 के लगभग, कितना 1700 के लगभग यहां पर क्या है, स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, ठीक है, कितने स्टार्टअप यहां पर रजिस्टर्ड है, तो याद रखना यहां पर टोटल 1700 के लगभग यहां पर स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और 29वें नंबर पर कौन आ जाएगा, भोपाल, ठीक है, 29वें स्थान पर कौन है, ये भोपाल हो जाएगा। और पूरे देश में कर्नाटक कहां पर, पहले स्थान पर है, ठीक है, पूरे देश में कर्नाटक कहां पर, स्टार्टअप के मामले में कर्नाटक कहां पर है, पहले स्थान पर आ जाता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। उन्नत द्रोण हवाई यातायात प्रबंधन की पढ़ाई का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो याद रखना इसको हैदराबाद में किया गया, ठीक है, और हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्काई रूट, याद रखना क्या नाम है, स्काई रूट इसका संचालन करेगी, ठीक है, कौन करेगा, स्काई रूट, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्काई रूट जो है ना इसको कौन करेगा, स्काई रूट इसको मैनेज करेगा, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है, ठीक है, और किसके द्वारा ये किया गया, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा, किसके द्वारा, ये नितिन गडकरी जी के द्वारा ये किया गया, नितिन गडकरी, ठीक है, ध्यान रखना। है बेंगलुरु कर्नाटक में, कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटक में। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन की धनराशि की पेशकश की है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश को, किसको दिया है ये, हिमाचल प्रदेश को इतनी धनराशि मिलेगी, किसको मिलेगी, हिमाचल प्रदेश को धनराशि, किसके लिए, बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो राजेश जिंदल जी को, किसे बनाया गया, तो राजेश जिंदल, ठीक है, ध्यान रखना, किसे बनाया गया, राजेश जिंदल को, याद रखना। कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या बनाया गया, तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए, हाल G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, G20 फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है
ये कहां पर किया गया? ठीक है, तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन याद रखना, ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? हाल ही में किसने, या सॉरी किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो आयोजन है या उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना अश्विन वैष्णव जी ने। किसने? अश्विन वैष्णव जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने किया, अश्विन वैष्णव जी ने ये उद्घाटन किया। ठीक है, नोट करेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर की साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया, उस अभियान का नाम क्या? ठीक है, अभी हाल ही में भारत ने, किसने? भारत, अमेरिका और सॉरी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर के अभी एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखना साइबर सुरक्षा क्या नाम है? तो याद रखना क्वाड हो जाएगा। क्या है? क्वाड के माध्यम से माइटी। ठीक है, माइटी जो भारत का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इन्होंने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान की शुरुआत की। ठीक है, मेटा ने G20 अभियान के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो याद रखना जो G20 के साथ इन्होंने साझेदारी की, ठीक है, मेटा आपको जानते हैं अभी किसका है, FB का है। ठीक है, मेटा FB का नाम है। और G20 के लिए किसके साथ किया? तो माइटी के साथ ही किया। किसके साथ किया है? माइटी के साथ किया। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना सफिशियंट है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन बातों को समझा होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है ना, तो सेशन कहीं पे ओवर करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया हमने और घबराइएगा मत। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुझे पता है कि दिक्कतें तो थी, एक हफ्ते आपके काफी ज्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर कोई क्लासेस नहीं चल पाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब बाकी जो दिन बचे हैं इनमें हम आपकी मैराथन क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं, प्लान कर ली गई है, पूरी प्लान है, क्लास है ना, कल हमारी क्लास रहेगी, कल भी रहेगी, कल संडे है तो कल भी क्लास रहेगी और प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो कल का शेड्यूल अभी आप लोगों को मिल जाएगा, यूट्यूब पर सारे इवेंट आप लोगों को दिख जाएंगे और आज भी जितनी क्लासेस सारी चलती रहेंगी, शाम को मेरी फिर क्लास होगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी होगी और यूट्यूब पर भी मेरी क्लास होगी, तो उसके लिए आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए फिर सेशन को ओवर करें, हाँ या ना? ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा, सेशन को ओवर करते हैं। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसकी जो सारी PDFs हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? तो एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे? एप्लीकेशन पर। हम डेली अपलोड करवा ही देते हैं, आप लोगों को पता है कि अपलोड करवा देते हैं, तो आप लोग यहाँ पे है ना ले सकते हैं जाकर के, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर अपनी क्लास में। ठीक है, बाय। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और बताएंगे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, हाँ या ना? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी को, राधे राधे। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है, बता दीजिएगा एक बार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सेशन को एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर लीजिएगा, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, एयर ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये किसने लॉन्च किया है, आइए जानते हैं। देखिए, तो ये भारत में याद रखना ड्रोन के लिए ध्यान रखना, जो ड्रोन सेवा है ना इसके लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि जो हवा में, क्योंकि ड्रोन हवा में उड़ेगा तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रैफिक रूट होना चाहिए। इसको कौन मैनेज, कहां पर मैनेज किया जाएगा? तो हैदराबाद में। कहां पर मैनेज किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर? हैदराबाद में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है और इसे मैनेज कौन करेगा? तो स्काई रूट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना हैदराबाद की बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट, ध्यान रखना। क्या नाम इसका है? स्काई रूट, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और याद रखना ये क्या करेगी? तो भारत में ड्रोन के लिए, ठीक है, कहां पर? भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे आपका स्काई रूट ने लॉन्च किया। स्काई रूट कहां गए थे? तेलंगाना, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी, ठीक है, ध्यान रखना वहां पर, तेलंगाना हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है और भारत में जहां पर भी ड्रोन की सेवा शुरू की जाएगी वहां पर ये क्या करेगी? ट्रैफिक को मैनेज करेगी। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023-22 का उद्घाटन किया? ठीक है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो कह सकते हैं उद्घाटन किया किसने किया? तो ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? ध्यान रखना ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय ने,
किसकी शुरुआत की, तो याद रखना मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की, ठीक है ध्यान रखना। ये पूरे भारत के अंदर इसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, नोट करेंगे इसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है चलिए ध्यान रखना। किसने कौन है, गिरिराज सिंह जी है। ये मैंने कल भी करवाया था, फरवरी का ये करंट अफेयर्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, तो सेशन को फटाफट जल्दी से शेयर करेंगे। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के मूल्य निष्ठा समाज की नींव थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया, तो हरियाणा में किया है, ठीक है कहां पर किया है, हरियाणा में इन्होंने किया। 36वां जो सूरज कुंड मेला है, आप सभी जानते हैं कि 36वां सूरज कुंड मेला, ठीक है कौन सा है, सूरज कुंड मेला, इसका और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, सूरज कुंड मेले का, तो सूरज कुंड मेले का उद्घाटन याद रखना ये हरियाणा में किया गया, कहां पर, हरियाणा में सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नमा क्लिनिक की शुरुआत की है, लॉन्च करने का मतलब क्या है, शुरुआत की है, ठीक है। तो नमा क्लिनिक की बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना नमा नमा जो नाम आता है, नमा नाम कहां पर आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो नमा क्लिनिक की शुरुआत ये कहां पर हुई है, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये की गई है, कहां पर, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये नमा क्लिनिक कर्नाटक सरकार ने इसकी शुरुआत की, ठीक है ध्यान रखना। चलिए, किसने सीमा पर यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की, सीमा पार, ठीक है, इसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की। सीमा पार मतलब देश के बाहर, ठीक है, सीमा पार का मतलब क्या है कि ध्यान रखना देश के बाहर जो कह सकते हैं कि यूपीआई से माध्यम से पैसे भेजने की जो शुरुआत की है,